कविता का शीर्षक है, ये कविता नहीं कहानी है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, ये कविता नहीं कहानी है, मेरी नहीं करोड़ों की जुबानी है। ये कविता नहीं कहानी है, मेरी नहीं करोड़ों की जुबानी है। मैं स्कूल से लौटा ना था, चिंतित माँ के लिए मैं अभी भी छोटा सा था। छोटी सी आहट ने माँ का ध्यान खींचा, सामने मैं था, माँ ने चौखट से अंदर की ओर मुझे खींचा। शरीर पर कुछ घाव थे, तन पर नहीं था कोई कपड़ा, माँ पूछी, किससे हुआ तेरा झगड़ा? मैं बोला कि झगड़ा नहीं माँ, कुछ लोगों का रौब है, अत्याचार है। प्रश्न भी साथ में था क्या ये उनका अधिकार है। 8 साल का वो बच्चा था, जीवन उसका कुछ ऐसे ही बीता। प्रभाव अब भी गहरा था, जीवन भी रीता था। चुप चुप गुमसुम रहना वो सीख रहा था, ना दोस्त बनते थे तो अकेला जीना सीख रहा था। आसपास भीड़ होती थी पर वो अकेला होता था। अपना दुख छुपाने हंसी का मुखौटा साथ होता था। रोना लड़कों के लिए कहाँ होता है। रोने का अधिकार भी छीन चुका था। अपने आप को वो कोसता रहता था, उसे पता ना था कि इसमें उसका कोई दोष ना था। सोचता था भविष्य अलग उज्जवल होगा, पर संगी अतीत ने कभी साथ ना छोड़ा। लोगों का स्वभाव नहीं बदला, तब भी वैसे थे, आज भी ऐसे थे। चुप था, लोग आते गए, सताते गए, तड़पाते गए। जब कुछ बड़ा हुआ पहले जैसा ही रह गया। बहरा नहीं था पर विचारों के शोर घमासान में कहीं खो सा गया। एक दिन काफी त्रस्त था, सोचा क्यों ना कर ली जाए खत्म ये कष्ट और जीवन लीला। रोज की तरह ही स्कूल से परेशान होकर लौटा था। गर्म बहुत था पारा, अब रोक न पा रहा था मैं अपनी अश्रुधारा। अश्रुओं के साथ भूत मेरा अतीत कहीं पीछे छूट रहा था। मैंने कुछ से कहा, बर्बाद जिस अतीत ने तुझे किया, तू उसे ही संगी बना लाया। बदल जा, नहीं तो डरने लगा है तेरा ही साया। तू तेरी ही जिम्मेदारी है, ये कविता नहीं कहानी है, मेरी नहीं करोड़ों की जुबानी है। धन्यवाद।